विशेषण। आओ बच्चों, अब हम विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। वाटिका में रंग बिरंगे फूल हैं। मेरे पास एक खिलौना है। पेड़ पर कुछ चिड़ियां बैठी हैं। यहाँ वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पर एक खिलौना की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर कुछ चिड़ियों की विशेषता बता रहा है तथा रंग बिरंगे फूल की विशेषता बता रहा है। आओ इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर फूल, खिलौना और चिड़िया विशेष्य हैं। तो बच्चों, विशेषण की परिभाषा क्या होगी? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आओ बच्चों, अब हम विशेषण के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। एक, गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। काला कौआ, सुंदर मोर। गुण से तात्पर्य है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के रंग रूप, गुण दोष, अवस्था, आकार आदि को बताना। यहाँ पर काला और सुंदर कौआ और मोर के रंग रूप को बता रहे हैं। आओ बच्चों, इसको कुछ और सरलता से समझते हैं। कुछ गुणवाचक विशेषणों की सहायता से। कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। गुण, गुण को बताने वाले शब्द हैं दयालु, परोपकारी, ईमानदार आदि। दोष, दोष को बताने वाले शब्द हैं कठोर, बुरा, कपटी आदि। रंग रूप, रंग रूप को बताने वाले शब्द हैं गोरा, काला, आकर्षक आदि। आकार, आकार को बताने वाले शब्द हैं लंबा, छोटा, पतला आदि। अवस्था, अवस्था को बताने वाले शब्द हैं बूढ़ा, युवा, किशोर आदि। स्वाद, स्वाद को बताने वाले शब्द हैं खट्टा, मीठा, नमकीन आदि। गंध, गंध को बताने वाले शब्द हैं खुशबूदार, बदबूदार, गंधहीन आदि। स्पर्श, स्पर्श को बताने वाले शब्द हैं सख्त, कठोर, नरम आदि। दो, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या संबंधी जानकारी दें उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। चार टमाटर, दो लड़के। यहाँ पर टमाटर के लिए चार तथा लड़के के लिए दो का प्रयोग किया गया है। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। एक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा दो, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। तीन लड़के खेल रहे हैं। मेज पर पांच पुस्तकें हैं। इन दोनों वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। कुछ लोग बाहर खड़े हैं। बगीचे में बहुत से फूल हैं। इन दोनों वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के परिमाण अर्थात
नाप तौल तथा मात्रा की जानकारी दें, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके साथ अधिकतर नाप तौल सूचक शब्द जुड़ा होता है। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। 1 किलो मटर, 2 आम। जैसे यहाँ पर मटर के लिए 1 किलो और आम के लिए 2 का प्रयोग किया गया है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण तथा 2 अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध होता है, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आओ बच्चों, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। माँ ने 5 किलो चावल खरीदे, रोमा 2 लीटर दूध लाई है। इन दोनों वाक्यों में 5 किलो तथा 2 लीटर शब्द क्रमशः चावल तथा दूध की निश्चित मात्रा बता रहे हैं, अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आओ बच्चों, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मुझे कुछ फल दो, दूध में कम चीनी डालना। इन दोनों वाक्यों में कुछ तथा कम शब्द क्रमशः फल तथा चीनी की निश्चित मात्रा नहीं बता रहे हैं, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण की तरह किया जाता है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। पेन उसका है, उसका घर नया है। आओ बच्चों, अब हम सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं, परंतु जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताता है, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। यह काफी दुबला है, सर्वनाम। यह लड़का काफी दुबला है, सार्वनामिक विशेषण। पुस्तक मेरी है, सर्वनाम। मेरा पेन खो गया, सार्वनामिक विशेषण।